हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे एसएस कंप्यूटर सॉल्यूशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जानते हैं विंडो 10 का जो नया वर्ज़न आया है 21H1, जो इसका लेटेस्ट वर्ज़न आया है उसको कहाँ से चेक करते हैं। वो अपन को दिस पीसी पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ज़न लिखा है 20H1। एज जो वर्ज़न है ये लेटेस्ट विंडो में ही आता है। इसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये वर्ज़न आपको अपडेटिंग में शो करेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट पर आना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर विंडो इनसाइट प्रोग्राम इस पर क्लिक करना है। पहले आपको यहाँ पर मेल आईडी को अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये 21H1 अपडेट शो करेगा। उसके लिए आपको हमारे यहाँ ऑलरेडी मैं अपना अकाउंट ऐड कर चुका हूँ, तो मैं यह चीज़ आपको एक पिक्चर्स के थ्रू बताता हूँ किस तरीके से आपको शो करेगा। ये देखिए फ्रेंड, अगर आप जैसे ही इसको विंडो इनसाइट प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर विंडो इनसाइट प्रोग्राम पर गेट स्टार्ट लिखा आएगा, तो आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो आएगा वहाँ पर पिक अकाउंट गेट स्टार्ट पर आएगा, तो यहाँ पर प्लस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अपना अकाउंट आपको ऐड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरीके से तीसरा ऑप्शन जो खुलेगा आपको इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन पर फुल सेटिंग यहाँ पर ऑन रहती है और फीचर्स ऑन रहते हैं, इसलिए आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और वन मोर स्टेप टू गेट आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ। फिर आपको यहाँ पर फ्रेंड रिस्टार्ट करना है। विंडो को रिस्टार्ट करने के बाद फ्रेंड आपको जैसे आप यहाँ पर रिस्टार्ट करें, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आकर विंडो इस साइड पर आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट ऐड मिल जाएगा। अकाउंट ऐड करने के बाद आपको वहाँ पर अपने विंडो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 21H1 जो वर्ज़न है विंडो 10 का लेटेस्ट, वो अपडेटिंग पर यहाँ पर लग चुका है। जैसे ही ये फुल अपडेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अपने पीसी को है ना रिस्टार्ट करना है एक बार, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।